नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल माली बाबा गार्डनिंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो ठंडियों की वजह से, अब विंटर ख़त्म हो रहा है सीज़न, तो ठंडियों की वजह से हमारी पत्तियों को बहुत नुकसान पहुंच जाता है, जिससे जैसे देखिए ये हमारा क्रोटन है, इसका रंग पीला पड़ गया है। तो इन सारी पत्तियों को, जो पत्तियों वाले पौधे हैं या फिर फूल वाले भी पौधे हैं, इन सारी चीज़ों को हम कैसे सही करें, हम ऐसा क्या यूज़ करें। बहुत सारे हमारे दोस्त पूछते हैं कि हम क्या ऐसा डालें जिससे कि हमारी जो पत्तियाँ हैं वो सही हो जाएँ। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से हमारी हार्मफुल होती है बहुत ज़्यादा ठंड, तो पत्तियाँ हमारी जो होती है वो शाइन उनकी ख़त्म हो जाती है, उनकी चमक ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए हमें NPK 20-20-20 या फिर NPK 90-90-90, जो ब्लू मार्केट में आपको अवेलेबल है, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड मिल रहे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सारे साइटों पे मिल रहे हैं। तो आप इसे ब्लू कलर में भी आता है, जैसे मैंने मंगाया हुआ है तो इस कलर का है, पिंक कलर का भी आता है, रेड कलर का है, तो बहुत सारे कलर में लोग, अलग अलग ब्रांड के लोग बेच रहे हैं। तो आप कोई भी NPK 20-20-20 मंगा लीजिए। इससे, इसमें क्या होता है, इस पहले मैं ये जानकारी आपको दे देती हूँ कि इसमें होता क्या है दोस्तों। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एन, पी और के। एन पी के का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब होता है फास्फोरस और के का मतलब होता है पोटैश। तो NPK, NPK में काम कैसे करता है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ दोस्तों। एन, नाइट्रोजन का क्या काम होता है कि जो हमारी लीफ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, इनकी जो ग्रीन कलर होता है चमकदार बनी रहती हैं और शाइन करती हैं। तो जो हमारी पत्तियाँ होती हैं बहुत ही सुंदर रहती हैं, और जो भी नुकसान उनको हार्म, जैसे कि ये सूख रही है थोड़ी सी ठंड की वजह से पत्ती, तो हम जो सिर्फ पत्तियों के पौधे होते हैं तो उन्हें हम बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पत्तियों से ही सुंदर लगते हैं। तो हम NPK में डालने से, नाइट्रोजन की वजह से, ये जो हमारी जो पत्तियाँ होती हैं वो चमकदार होती हैं और बहुत ही पौष्टिक दिखने लगती हैं। के, पी, फास्फोरस। फास्फोरस का हमारा क्या काम होता है कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स को बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड कर देती है और मिट्टी को पूरा वो कवर्ड कर लेती है, जो बहुत नीचे तक जड़ें चली जाती हैं और पूरा मिट्टी को कवर्ड करके पौधे की मजबूती को बनाए रखती है। आप बहुत ज़्यादा दिनों तक वो आपका पौधा टिका रहेगा। और पोटैश, पोटैश का जो हमारा काम होता है, के पोटैश का ये काम होता है, जैसे कि फल हुआ, फूल हुआ, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट पे आप देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल निकलेंगे। अगर उस पर फल लगते हैं, कोई ऐसा पेड़ है जिस पर आपका फल लगता है, तो उस पर आप अगर देते हैं तो उसमें फल अधिक लगेंगे। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं, NPK का बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि इसको करने का तरीका भी बहुत आसान है, और इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो NPK, 1 लीटर पानी हमने लिया हुआ है, NPK को 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाला जाता है। जैसे कि ये वहाँ हमने मंगा रखा है, इसको हमने ऐसे ओपन किया, थोड़ा टाइट बंद है, ये बंद हो गया। टीस्पून जो कहा जाता है, 1 टीस्पून से हाफ चम्मच, 1 लीटर पानी में सिर्फ आधा चम्मच, देखिए ये क्वांटिटी है दोस्तों, ये आधा चम्मच आप इसमें ऐसे डाल लीजिए। डालने के बाद ये, चूँकि घुलनशील होता है, घुलनशील होने के कारण ये आसानी से घुल जाता है। देखिए दोस्तों, ये चूँकि मग में है इसलिए आपको ये, देखिए पानी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आसानी से घुल गया है। अगर आपको और ज़्यादा चमकदार पत्तियाँ करनी है तो आप इसमें थोड़ा सा एप्सन सॉल्ट भी डाल सकते हैं, और अगर आपको नहीं करना है तो कोई इशू नहीं, एप्सन सॉल्ट मत डालिए, NPK ही पर्याप्त है। इसको आप क्या करेंगे, इस तरीके के बॉटल में, अगर आपके पास हो तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से ना हो तो इसमें, कोविड टाइम था सबके पास इस तरह के बॉटल होंगी, सैनिटाइजर स्प्रे बॉटल आसानी से अवेलेबल है सबके घरों में, इसमें आप धीरे से ऐसे आप डाल लीजिए। इसको हमने डाल दिया है, और डालने के बाद दोस्तों इसको बंद करके हम लीफ पे, रूट्स में करने की कोई ज़रूरत नहीं, लीफ पे हम ऐसे स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने से
इसकी पत्तियाँ चमकदार हो जाएंगी, जो रूट्स होंगी रूट्स भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी और बहुत सारे ब्रांचेज होकर के मिट्टी को पकड़ लेंगी। अगर फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे ये गेंदा है, ये सारे जो फ्लावरिंग प्लांट है, गुलदाउदी है, ये सारे जो प्लांट्स हैं इसमें बहुत सारे फूल निकलेंगे और बहुत ही ज़्यादा कम खर्च में आपका बहुत ही अच्छा होगा। जैसे ये हमारी पत्ती पीली हो गई है, तो ये सारी पीली पत्तियाँ साइड से ऐसे झड़ जाएंगी और ये देखिए बीच में ग्रीन ग्रीन शेडेड में पत्तियाँ आ रही हैं इस तरीके से, और सुंदर सी पत्तियाँ आएंगी और बहुत ही सुंदर सा आपका प्लांट हो जाएगा। दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप एनपीके नहीं खरीदना चाहते हैं तो घर में कैसे इस तरह की लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करें कि आपकी पत्तियाँ सुंदर बन सके। धन्यवाद दोस्तों।